नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि हम हमारे काउंटर को कैसे मैनेज करेंगे। जो भी हमारे फास्ट फूड के काउंटर होते हैं या कैफ़े होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, तो इसमें हम टेक अवे का भी ऑप्शन आपको बताएंगे एंड टेबल सिस्टम भी बताएंगे कि कैसे, अगर आप रेस्टोरेंट में टेबल वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो टेबल मैनेजमेंट भी हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, और अगर आप टेक अवे का ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइटम के बारे में, कि इसमें आइटम हम कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ आइटम्स मैंने बनाए हुए हैं। ये व्यू लिस्ट में आपको जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैंने कुछ आइटम्स बनाए हुए हैं, सैंडविच, पिज्ज़ा, हॉट डॉग एंड ईटीसी, राइट? अगर मैं इसको आपको मॉडिफाई करके दिखाऊँ तो इस पर सिंपली डबल क्लिक करना है। इसमें आप पहले से प्राइजिंग फिक्स कर सकते हैं, आप इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं, कोई शॉर्ट नेम देना चाहें वो दे सकते हैं, टैक्स फ्री या टैक्स के साथ देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। अब नए आइटम बनाने कहाँ से होते हैं, तो हमें सिंपली न्यू में क्लिक करना है, यहाँ पर नाम डाल देना है जो भी हमारे फास्ट फूड रहते हैं, ठीक है? सपोज दैट मैं एक कॉफ़ी का आइटम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? ये हमने डाल दिया। अब ये जाएगा कप में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट ऐड कर लेंगे, ठीक है जी? तो ये हमने यूनिट ऐड कर ली। यहाँ पे हमको एमआरपी डाल देनी है इसकी, जैसे डाल दी हमने 45 रुपीज़, और इसको जस्ट हमने ऊपर सेव का बटन दिया और इस पर क्लिक करके हमने सेव कर देना है। ये हमारा आइटम सेव हो गया। अब क्लोज करना है। अब सिंपली आ जाना हमें फूड सर्विस पे, ये जो हमारा सेक्शन है ये फूड सर्विस का है, तो हमें न्यू में क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे देखिए, हम टेबल्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, ये टेबल 101, 102, 103, 104, ठीक है जी? और एक ये बनाया हुआ टेबल टेक अवे का। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है आपसे, बोलता है कि भाई मुझे ये सामान पैक करके दे दो, ठीक है? तो सिंपली आपको टेक अवे पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे, जैसे कॉफ़ी में मैंने इमेज नहीं लगाई हुई है तो कॉफ़ी में केवल कॉफ़ी लिखा आ रहा है, ठीक है? बाकी जगह पे मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है? अब जैसे कोई बोलता है कि भाई मुझे 4 सैंडविच पैक कर दीजिए, तो ये मैंने इसी पर 4 बार क्लिक करना है, ठीक है जी? ये देखिए यहाँ पर कितना 4 क्वांटिटी ऐड हो गई, टोटल वैल्यू 260 हो गई, ठीक है जी? सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, आपको सेव एंड ईमेल पे क्लिक करना है, आपका बिल जनरेट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा बिल जनरेट होगा इसमें सेम अमाउंट का क्यूआर कोड जनरेट होगा, ठीक है ना? जितने का आपका बिल रहेगा उतने का आपका क्यूआर कोड जनरेट रहेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, तो ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे आपको लेके आ गया, ठीक है? ये मैंने गूगल पे लॉगिन किया। अब मैं ये क्यूआर पे जाऊँगा एंड सिंपली इस क्यूआर को स्कैन करूँगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा पेइंग का नेम भी आ रहा है और टोटल जो अमाउंट था मेरा वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है जी? तो इस प्रकार से आप सिंपली बिल देकर कस्टमर को बोल सकते हैं, सर बिल पर ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हम पे करेंगे और हम अपना पासवर्ड डाल के इसको पे कर सकते हैं, ओके जी? देन नेक्स्ट थिंग क्या होगा हमारा, कि हमारा ये जैसे ही बिल सेव होगा एंड प्रिंट होगा तो यहाँ पर एक चेक मार्क का ऑप्शन आएगा, जैसे ही वो अमाउंट पे करते हैं, अगर कैश दे रहे हैं तो कैश में डाल देना है, ई वॉलेट कर रहे हैं तो गूगल पे पेटीएम यहाँ पर डाल देना है, और सिंपली सेव एंड सेटल पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी?
ये वापस हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई टेबल पे आप से सर्व करते हो, ठीक है जी। तो सिंपली आपको टेबल पे क्लिक करना है। जैसे 101 पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमने पिज़्ज़ा किया एंड इसको क्या किया, हमने क्योटी एंड प्रिंट किया, ठीक है जी। तो इनकी एक क्योटी जनरेट हो जानी है जो कि हमारे किचन में चली जानी है, ठीक है। यहाँ पर लिख के आ जाएगा ये, इस नाम से हमारी क्योटी जनरेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है, मान लीजिए इन्होंने ये ओपन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इनको और भी कुछ चाहिए, अगेन से हमने उस पर डबल क्लिक किया। अब मान लीजिए इन्होंने 2 प्लेट छोले भटूरे मंगाए, तो हमने इस पर 2 प्लेट दो बार क्लिक कर देना है, अगेन हमको सेव क्योटी पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ऊपर देखिए, पहले एक था, अब 2 क्योटी हो चुकी है, तो यहाँ पर 2 नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है जी। ये 2 क्योटी यहाँ पर हो सकती है, टोटल इस टेबल का अमाउंट दिखा रहा है आपको। सिंपली आपको अगर मान लीजिए अब इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आइज में क्लिक करना है आपको, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे इनके। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड ईमेल पे क्लिक करना है, तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट के बाद अब वो किस मोड में पेमेंट कर रहे हैं, आपका बिल आ गया, ठीक है। ये अभी मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपके प्रिंटर से हिट होगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ चेक मार्क पे हम क्लिक करेंगे, तो टोटल 415 का अमाउंट हो रहा है, ठीक है जी। तो अब ये कैश दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसको डाल के हमको सिंपली सेव एंड सेटल पे क्लिक करना है। हमारी वो टेबल वापस से ब्लैंक हो जाएगी, वाइट मतलब ब्लैंक टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर जब येल्लो हो जाती है तो वो रनिंग का साइन होता है, और जब हम उसको बिल प्रिंट के लिए रखते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है जी। इस टाइप से हम अपना पूरा रेस्टोरेंट मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद दिन भर में हमारा क्या बिलिंग हो रही है और कितनी चीज़ें हो रही हैं, वो हमको यहाँ पर सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है जी। इसकी पूरी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप सिंपली बिल्स में चले जाइए, देन इसको यहाँ पर आपको ये पूरा शो करने लगेगा कि किधर पे क्या आपने कितना सर्व किया है। यहाँ पर हमको दिखा रहा है, ये देखिए कि ये हमारा ये टेक अवे गया हुआ है, ये टेबल 1 के ऑर्डर्स थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमको शो करेगा कि किस टेबल से हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है या कितना सेल आउट हो रहा है किस टेबल नंबर पे। दिन भर की ये रिपोर्ट्स आपको मिल जानी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका कैश अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं कि दिन भर में आपका टोटल कैश अमाउंट क्या हुआ, 2425, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से अगर टोटल सेल रिपोर्ट देखनी है आपको, तो यहाँ से सेल रजिस्टर पर जाइए सीधा, और देन ओके करेंगे, यहाँ पर क्लियर में क्लिक कीजिए, तो ये टोटल आपको बता देना है, ठीक है जी, कि भाई टोटल आपका इतना अमाउंट हुआ। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है जी। देन इसके बाद अगर आप चाहते हैं, इसमें SMS इंटीग्रेशन वगैरह भी अवेलेबल है कि जैसे ही आप बिल सेव करेंगे तो उनके व्हाट्सएप पे चले जाना है एंड उनके मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज चला जाना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा, नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको अगेन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।